अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एसएम और आप देखें ऐसे व्लॉग। अल्लाह ताला करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग जो है शुरू करते हैं। मैं जा रहा हूं हार रोड और हार रोड से मैंने जो चीज़ खरीदनी है उसका नाम है गेम स्टिक। गेम स्टिक क्या होती है? एक सिंपल सी डिवाइस है जो आजकल मार्केट में आई हुई है, जो सिंपल LED में लगा के हम उन गेम्स को खेल सकते हैं जो कि हम टोकन वाली गेमें खेलते थे आज से कुछ साल पहले। उस सारी गेमें उस डिवाइस में अवेलेबल है। उसमें एक मेमोरी कार्ड लगता है जिसके अंदर सारी गेमें अवेलेबल हैं। टोटल 10,000 के करीब गेम्स जो है वो उसके अंदर अवेलेबल हैं। तो चलते हैं और जाके आपको हाल रोड में गेम स्टिक परचेज करते हैं और दिखाते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर बाइक पे बैठ के थोड़ा सा सुकून आया, क्योंकि बाइक पे जो है वो हवा लग रही थी। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, हब्स वाला मौसम हो रहा है जी। हाल रोड जो है हम पहुंच चुके हैं, सिग्नल रेड होने की वजह से हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। जैसे सिग्नल ग्रीन होगा तो हम चलेंगे हाल रोड के अंदर। हाल रोड के अंदर जो है हम लोग पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है, राइट लेफ्ट बाइक्स ही बाइक्स खड़ी हैं। गेम वाली दुकान के अंदर हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गेम्स हैं। ये गेम का इंटरफेस लगाया हुआ है उन्होंने, गेम स्टिक जो है LED में कनेक्ट की हुई है। इसके साथ ये दो कंट्रोलर जो है मिलते हैं और उसके अंदर सेल डलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गेम का इंटरफेस है और कितनी ज़बरदस्त किस्म की गेमें जो हैं इसके अंदर हैं। टेकन 3 को हम लगाने लगे हैं। टेकन 3 को चेक करते हैं कि कहीं पे कोई लैग या कोई स्लो तो नहीं है गेम। जी टेकन 3 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो चुकी हैं। कितनी ज़बरदस्त किस्म का इंटरफेस आ रहा है। लॉ को सिलेक्ट किया गया और देखते हैं किंग के साथ लॉ की मैच होने लगा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये भाई गेम को खेल रहे हैं। अब इन्होंने मुझे रिमोट पकड़ा दिया और मैं गेम को खेल रहा हूँ। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कोई लैग नहीं है गेम में। गेम खेल के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 10 साल पहले के ज़माने में चला गया हूँ। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था गेम खेलने का। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ पर कंट्रोलर को छोड़ दूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था गेम खेलने का। जी फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस वजह से मैं बाहर ज़्यादा शूट नहीं कर सका। गेम स्टिक जो है हमने ले ली है। सबसे पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा दूँ। ये है जी गेम स्टिक का बॉक्स, ये देखें। इसमें टोटल 20,000 गेम्स जो है वो अवेलेबल है, जिसमें आप हर किस्म की जो हम टोकन वाले गेम्स खेलते थे वो सारी गेम्स इसमें है। PS1 की और जितनी भी पुरानी जो गेम्स हैं वो सारी इसमें अवेलेबल है। ये देखें जी, जैसे आप इंटरफेस देख रहे हैं इसके अंदर सारी वो गेम्स अवेलेबल हैं जो आप लोग टोकन वाली गेम्स में खेला करते थे। तो अब हम टेकन 3 गेम को जो है वो लगाते हैं। टेकन 3 गेम लगा के चेक करते हैं कि बिल्कुल वही चीज है या नहीं। टेकन 3 जो है वो प्ले करो यार। ये देखें अदन प्ले कर रहा है और साथ बच्चों के एक्साइटमेंट चेक करें कि बच्चे जो है वो फुल शोर मचा रहे हैं। बच्चे फुल शोर मचा रहे हैं। ये गेम को जो है वो बैक कर रहे हैं और हम ये देखें ये गेम गेम लगी। अभी बटन दबाओ, कोई बटन नहीं प्रेस करो, कोई बटन नहीं प्रेस करो, बटन नहीं प्रेस करना उमर, बटन नहीं प्रेस करना, बैक करो। ये देखें ये टेकन 3 जो है वो लगने लगी है। टेकन 3 को लगाते हैं और चेक करते हैं वाकई टेकन 3 उस तरह की है या नहीं। बटन नहीं दबाना उमर, अब बटन नहीं दबाना, बैक करो, एग्जिट करो गेम को। ये देखें गेम एग्जिट कर रहे हैं और टेकन 3 वाली साइड पे ये टेकन 3 को प्ले कर दिया गया है। हुई नहीं प्ले, हो गी प्ले। दिखाओ जरा, मैं करता हूँ। ये सच में भी जो गेम्स हमने खेली हुई है वो गेम्स हैं। तो अब मैं इसको जो है वो प्ले करने लगा हूँ। ये टेकन 3 है। टेकन 3 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और टेकन 3 मैंने स्टार्ट कर दी है। अब देखते हैं कि ये वाकई वो टेकन 3 है जो हम टोकन वाले मैंने खेलते थे। ये देखें जी टेकन 3 का इंटरफेस चेक करें। प्ले करो यार इसको, ये तो वाकई उसी तरह की टेकन 3 लग रही है जो हम टोकन्स में खेलते थे। ये देखें जी बिल्कुल वैसे ही इंटरफेस, वैसे ही गेम है और कोई लैग नहीं है, कोई लैग नहीं किसी किस्म का। ये हुरिया ने चैलेंज कर दिया है और हुरिया ने जो है युशी मुशी ले लिया है। अब दोनों का चैलेंज है, दोनों जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। हुरिया और उमर गेम को खेल रहे हैं और देखते हैं कौन जीतता है। ये देखें जी सेम वैसी गेम है, ये देखें सेम वैसी गेम है और जैसे हम टोकन में खेलते थे। और ये दोनों का चैलेंज हुआ है, दोनों से गेम्स को खेलने बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त किस्म की इंटरटेनमेंट है। ये देखें जी बहुत जबरदस्त किस्म की इंटरटेनमेंट है। ये देखें जैसे दोनों खेल रहे हैं। उमर जोर से मारो, लात लात मारो, पंच मारो, पंच मारो, कौन जीत रहे जी? ये जिन किसका है, जिन किसका है, जिन उमर का, युशी मुशी उड़िया क्या? और ये देखें दोनों का मैच बड़ा जबरदस्त चल रहा है। आगे हो, आगे हो, आगे मारो। ये जिन जो है वो हारने वाला है, युशी मुशी आगे जा रहा है। ये उमर हार गए और उड़िया जो है वो जीत गई है। ये तो ये देखें गेम बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए गेम ला के दे सकते हैं ताकि बच्चे जो है वो आराम से घर बैठ के अच्छी इंटरटेनमेंट को इंजॉय कर सके। उमर को चेक करें, उमर किस तरह कह रहे हैं, उमर क्या कह रहे हो, क्या मार? नहीं नहीं सेकंड राउंड, सेकंड राउंड, सेकंड राउंड। उमर कौन मार रहा है?
नहीं आपस में तो ना, आपस में तो ना लड़ो यार, उधर लड़ो, उधर लड़ना, इधर लड़ना, तू नहीं कहते आप कहते हैं। ओ मैं जीत गया, सूर्या हार गई। अच्छा एक चीज मैं आपको और दिखा दूं इसके अंदर, ये देखें ये जितनी ये इंटरफेस नजर आ रहे हैं जिसमें जीबी एफसी और मामी जीबीए जीबीसी एमडी अटारी PS1 और ये जो हम सेगा खेलते थे सेगा, ये सारी जितनी भी गेम्स नजर आ रही हैं इन सब की गेम्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। इन सब की गेम्स हम आसानी से खेल सकते हैं। इसके अंदर मॉडल स्लेज 4 मॉडल 2 1 2 3 सारी अवेलेबल हैं और सारी जितनी भी टोकन वाली गेम्स हैं वो सारी गेम्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप लोग आसानी से जो है वो ये मार्केट से परचेज कर सकते हैं हाल रोड से या फ्री सेंटर से। इसकी प्राइस मैं बता देता हूँ, इसकी प्राइस जो है वो 6000 है। इसमें एक 5000 वाली भी स्टिक अवेलेबल है लेकिन वो 5000 वाली जो स्टिक है वो उसमें थोड़ी स्लो हो जाती है, लैग है। तो 6000 वाली आप गेम को चेक करके लें, इसकी गारंटी कोई नहीं है लेकिन आप लोग जो है वो चेक करके लें ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये गेम बहुत अच्छी है, आसानी से जो है वो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं पीछे HDMI पोर्ट में लगा के और इसको USB पोर्ट से पावर दे के इसको आसानी से इस्तेमाल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप सिंपल LED में यूज कर सकते हैं, जिस LED या जिस TV में HDMI पोर्ट है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट मिलती है। बच्चों को आप देख रहे हैं, बच्चे कितना जो है जबरदस्त तरीके से इस इंटरटेनमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग जो है वो खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।